सुरजेवाला जी पे तो सारा दिन यही काम है कि किस बात के लिए शर्माणी जी, शर्म तो नहीं आनी चाहिए जो चाइना की वायरस को भारत की वायरस बताने लग रही है। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो जिनको इस बात पे गौरव ही नहीं है कि हमारे देश में वैक्सीन का आविष्कार है यार, यहाँ वैक्सीन बन गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान पर भटकुटे, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने भाजपा को टूल किट के मामले में शर्म आने की बात कही थी। बस फिर कहता शिक्षा मंत्री ने उन्हें सारी शर्म गिनवा कर कह दिया कि सुरजेवाला को ट्वीट के सिवाय और कोई काम नहीं, जबकि सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वह बंद होने के हक में तो नहीं है लेकिन लगाम लगाना जरूरी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर अपने जन्मदिन पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला पर भड़क उठे, क्योंकि सुरजेवाला ने हाल ही में टूल किट के मामले में एक ट्वीट के द्वारा भाजपा को शर्म आने की बात कही थी। देखिए सुरजेवाला जी पे तो सारा दिन यही काम है कि किस बात के लिए शर्माणी जी, शर्म तो नहीं आनी चाहिए जो चाइना की वायरस को भारत की वायरस बताने लग रहे हैं। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो जिनको इस बात पे गौरव ही नहीं है कि हमारे देश में वैक्सीन का आविष्कार है यार, यहाँ वैक्सीन बनेगी। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो सीधे साधे लोगों को ये कह रहे कि वैक्सीन ना लगाओ, वैक्सीन से नुकसान होगा, जो सारी दुनिया में लगने लग रही। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, सरकार तो सही काम कर रही। मैंने पहले ये बात कह दी कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम किया, बहुत से लोगों ने इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम किया जो कि बिल्कुल गलत है, और वो अपने ही समाज के प्रति दुश्मनी का भाव पैदा कर रहे हैं कि अपने ही लोगों को बहका के ना जी उनको संक्रमित करने लग रहे हैं। वो उसका बड़ी डिटेल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दे दिया था। जिस व्यक्ति ने वो सर्वे कर रखा वो कांग्रेस के एजेंट तो है, वो सारा का सारा प्रूव कर दिया वहाँ। तो ये कोई सरकारी एजेंसी या कोई ऐसी विश्वसनीय एजेंसी नहीं है, वो उनके ही कांग्रेस के आदमी है। वो तो 35 कह दिया वो भी ठीक है, अगर उस 50 कहता तब भी चल देता, वो कुछ भी कह देता। तो वो कोई अथेंटिक चीज़ नहीं है और ना ही रहने में इतनी बड़ी बेरोजगारी है। देखिए उस पर सरकारें विचार कर रही, मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग हो रहा है वो तो समाप्त होना ही चाहिए। हर आदमी समझता है जिसके खिलाफ उसका दुरुपयोग हो रहा है वो परेशान है, हर एक आदमी, क्योंकि वो हर प्रकार से बच के वो कहता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, आपकी बात कहने की है, बल्कि किसी का बिना बात के अपमान करने की तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती किसी पर। और झूठ बोलना और वो बोलना तो उस पर कोई ना कोई तो कंट्रोल होना चाहिए किसी पे, कि आप किसी के बारे में झूठ और गलत बात बोल ले तो वो गलत है, कुछ ना कुछ उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए कॉलेजों के बारे में जो भी है निर्णय वो यूनिवर्सिटी लेती है और उसी का ही निर्णय होता है, ठीक है, वो होती तो हमारे अंडर ही है, सारा का सारा यूनिवर्सिटी हमारे अंडर होती है, लेकिन उसमें स्वतंत्रता है कि हम यूनिवर्सिटी को ही छूट देते हैं कि वो किस प्रकार से पेपर लेना चाहती है, कैसे खोलना चाहती है, तो हम उसको ही छूट देते हैं, वो अपने आप निर्णय लेते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से। नहीं मैं बंद होने के उसमें तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल के पक्ष में हूँ कि भाई किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे इतने अधिकार नहीं होने चाहिए कि वो किसी भी आदमी को के बारे में कुछ भी बोल दे, उसको बदनाम कर दे, उसका चरित्र हनन कर दे, कुछ भी उसके बारे में कह दे और उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरों के लिए फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरों के नाल नाल वीडियो देखने लिए फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकते हो, ते नाल ही अजीत अखबार का डिजिटल एडिशन पढ़ने लिए डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।